तेल गरम करेंगे, जीरा और राई डालेंगे, बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च, करी पत्ता डालकर भूनेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, मसालों को भून लेंगे। उबले आलूओं को मैश कर लेंगे। मसाले में उबला आलू डालेंगे, नमक, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ग्रेवी के लिए पानी डालकर पकाएंगे। दही लेकर फैट लेंगे। ग्रेवी में उबाल आए तो गरम मसाले का पाउडर डालें, थोड़ी हरी धनिया डालकर ग्रेवी को पका लें। सब्जी में दही डालते हुए लगातार पकाएंगे। सब्जी को 2 मिनट पका लेंगे। दही वाले आलू तैयार हो जाएं तो इसमें हरी धनिया डालकर गार्निश कर लीजिए। दोस्तों, गर्मा गर्म चावल हो, दही वाले आलू हो, खाने का मज़ा ही आ जाता है। एक टिप है, दही डालने के बाद लगातार चलाते रहिए तेज आंच पर, दही फटेगी नहीं। और बस लगातार चलाते हुए सब्जी को पका लीजिए 2 मिनट तक, तो बढ़िया गर्मा गर्म दही वाले आलू तैयार हैं, धनिया पत्ती के साथ खाइए।